हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जैंगरी क्लासेस। और ये पढ़ा क्या सीरीज के 13th पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। व्यूज कम आ रहे हैं तो थोड़ा अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें CBSE 2020 की, तो अब तक ये पढ़ा क्या सीरीज अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस, कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताए हैं जिनमें लूप होल्स थे। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस अबाउट विच यू जस्ट नीडेड टू राइट टू पॉइंटर्स एंड टू पॉइंट्स एंड यू वर एबल टू गेट यू नो 3 marks फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट तरीका थोड़ा सा अलग था सीबीएसई के पूछने का, क्लैरिफिकेशन नहीं था। आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं एंड दीज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम सीबीएसई एंड यू नो फ्रॉम 2019 इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी यू नो रेगुलर इन सीबीएसई एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2020 से लिया गया है एज यू ऑल कैन सी। और सेट कौन सा है ये भी मैंने आपको बता दिया है, इट इज अ 3 marker क्वेश्चन। ऊपर जो है ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इसके बेसिस पे। आगे आपको पता लगेगा अलग अलग सेट से मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो थोड़ी बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने में, ढूंढने में। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल ही मत जाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट डायग्राम इनिशियली। सो वी हैव गिवन द सेविंग कर्व हमें गिवन है यहाँ पर, ये ए से लेके और एस पॉइंट तक जा रहा है। सेविंग फंक्शन गिवन है -50 प्लस 0.2y, 0.2y इज बेसिकली MPS ओवर हियर एंड -50 इज बेसिकली ऑटोनॉमस सेविंग, बेसिकली सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यू कैन से, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय OA दिस पॉइंट। Income is taken on x-axis and saving is taken on y-axis. This is what is you people are able to see. The very first question which is based on this diagram is what does the shaded area AOB indicates? As I have just told you, कि AOB की अगर हम बात करें, AOB क्या indicate कर रहा है? यहाँ पर अगर AOB की बात करें, तो AOB D savings को दिखा रहा है। यहाँ पर D savings को represent कर रहा है ये। डी सेविंग मतलब यहां पर आप जो है वो सेव नहीं कर पा रहे हैं कुछ, जो भी आपकी नेगेटिव सेविंग है दैट इज प्रेजेंटेड हियर। सो आप इसको समझ सकते हैं, एक हिंट ले सकते हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं। एंड अगर आपने डायग्राम को स्टडी किया है, ओनली इन दैट केस यू वुड बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो AOB एरिया यहां पर आपको दिख रहा है, this is basically D saving and ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। आप ये भी कह सकते हैं कि एरिया पूछा है तो ऑब्वियसली D saving ही होगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। देन यहां पर पूछा गया what is the significance of point B, ये जो point B है यहां पर, इस point B का क्या significance है? तो point B को आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि point B is that point where saving is equal to zero, point B is that point where y is equal to c, point B is that point where APC is equal to 1, point B is that point where APS is equal to 0, या point B is basically break even point। अब देखिए यहां पर like it totally depends break even point, let me write it first, it totally depends on you that how you are explaining all such things, so whatever you are writing there, out of these 5 points which I have just written for you, everything is correct, but in normal cases what it indicates is it is break-even point basically, and break-even point is that point where income is equal to consumption, jahan par income aur consumption aapas mein equal hota hai. So break-even point, break-even level of income where consumption is equal to income. So if you are writing y is equal to c, it is indicating y is equal to c, which is also known as break-even point, or it is break-even point which is indicating y is equal to c. ब्रेक इवन पॉइंट भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब आप बोलने का तरीका है आपका, यू कैन से दैट एस इज इक्वल टू जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू जीरो, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन।
So whatever I have written here out of them, you can write whichever variable you want to write, whichever statement you want to write. Yahan par ye statement number one, this is two, this is three, this is four, and this is five. CBSE marking scheme mein यहाँ पर इसे ब्रेक इवन पॉइंट बताया गया था, बट अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट नहीं भी लिखते हैं आपको दो नंबर इस चीज के जरूर मिलेंगे। अब यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर अलग तरीके से ये चीज पूछी गई है। सेम डायग्राम है, अलग सेट में गिवन था ये, एज यू ऑल कैन सी, लेट मी शो यू, आपको डिफरेंस बता दूं मैं। ये बेटा यहां पर सेट नंबर वन है, ये जो एंड में लिखा हुआ है, दिस इज सेट नंबर वन, और यहां पर यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था इन सेट नंबर टू। इसकी बात कर लेते हैं हम, ये लेट मी शो यू, ये यहां पर जो एंड में रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सेट नंबर टू, तो ये सेट नंबर गिवन है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, एट विच लेवल ऑफ इनकम ए पी सी विल बी इक्वल टू वन। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेसिकली होता क्या है, ए पी सी इज इक्वल टू वन, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट सी इज इक्वल टू वाई, आपका सी जो है वो वाई के बराबर है, आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आपका एस जो है वो जीरो है, बिकॉज वट एवर इनकम यू आर गेटिंग यू आर स्पेंडिंग टोटल इनकम, देन वट इज लेफ्ट विद यू, सो सेविंग वुड बी जीरो, एंड एट विच लेवल ऑफ इनकम, तो कहां पर आपका ए पी सी वन होगा, तो यहां इसका मतलब ये होता है कि जहां पर सी और वाई बराबर है, या एस इज इक्वल टू जीरो है, ये पॉइंट हो सकता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये इसका फर्स्ट आंसर है, क्योंकि पॉइंट बी पर You can say C, you can see C is equal to Y, or you can say this is equal to S is equal to zero. तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें आप यहां पर बता सकते हैं, that point B is a point where APC is equal to one, और आपको पता है कि APC, because I'm telling you so many new things here. अगर आपको पता नहीं है तो बता रहा हूं, और पता है तो सिर्फ मैं आपको एक रिमाइंड करवा रहा हूं ये सारी चीजें। तो इफ दिस वैल्यू इज वन, देन वन माइनस वन इज इक्वल टू, यहां पर एपीएस की वैल्यू जो है आपकी जीरो आ जाएगी, अगर आपका एपीसी यहां पर इज इक्वल टू वन, अगर ये वन होता है एज पर दिस फॉर्मूला विच इज गिवन हियर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग कर्व, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग कर्व अबव द पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बी के ऊपर जो सेविंग कर्व है, यहां पर मैं एक वेव वाली लाइन बना रहा हूं, इस पॉइंट की, ये इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, कि जो सेविंग कर्व जा रहा है पॉइंट बी से ऊपर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग इज मोर देन इनकम, जब आपका यहां पर पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको आप यहां पर बी ई पी भी लिख सकते हैं, इस ब्रेक इवन पॉइंट बी से ऊपर जब चला जाता है, तो आप इसे सेविंग इज मोर देन इनकम बोल सकते हैं, और ये आपके सेविंग्स को शो करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉइंट बी से ऊपर जाते हैं आपकी सेविंग्स इंक्रीज होने लगती हैं। इनिशियली जैसे आपको पहले मैंने बताया एओबी जो डी सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी पॉइंट से आपकी सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं और ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप ये लाइन या फिर अगर ये स्टेटमेंट थोड़ा समझ नहीं पाए, तो लेट इट, लेट मी इरेज ऑल सच थिंग्स, मैं आपको हाइलाइटर से हाइलाइट करके बता सकता हूं या बता देता हूं कि ये यहां से लेके ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय दिस लाइन आफ्टर पॉइंट बी, सो इट इज बेसिकली योर सेविंग्स, ये आपकी सेविंग्स है। यहां पर भी वही है, मार्किंग है आपकी, ये वन मार्कर है और ये आपका टू मार्कर है, सो द मार्किंग मार्किंग वॉज सेम इन ऑल दी सेट्स। इसी में थर्ड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो देयर, इट वॉज देयर इन सेट नंबर थ्री, एज यू ऑल कैन सी आई एम मार्किंग देयर, दिस इज अ क्वेश्चन विच आई हैव टेकन फ्रॉम सेट नंबर थ्री, कंप्लीट सेट का जो नंबर है दैट इज 58-4-3। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, एट विच लेवल ऑफ इनकम ए पी एस विल बी इक्वल टू जीरो एंड वाई, कि ए पी एस जो है कहां पर जीरो होगा, तो आपको बता दू पॉइंट बी से ये चीज डिनोट की जाती है, और क्यों होगा, बिकॉज यहां पर एस is equal to zero है, क्यों है, क्योंकि consumption is equal to income है इस level पर। Let me show you this. This is break even point and break even point is that point where y is equal to c, which means that saving is equal to zero. तो यहाँ पर at which level of propensity, at which level of income, average propensity to save will be equal to zero. Zero के equal कहाँ होगी? तो ये पॉइंट बी पर आप जो है रिप्रेजेंट कर सक रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो और क्यों होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज
इट इज अ पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम और सेविंग इज इक्वल टू जीरो. आप चाहें तो इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट यहां पर बता सकते हैं. व्हाट डज ओए सिग्निफाइज विद रिस्पेक्ट टू द कंजम्पशन कर्व? ओए क्या रिस्पॉन्ड यहां पर ये अगर आप देखें इस डायग्राम को तो दिस डायग्राम कैन बी मेड इन सच ए मैनर. ये थोड़ी लाइन बड़ी हो गई है, लेट मी मेक इट अ शॉर्टर लाइन. यहां पर हम ये बना लेते हैं, मान लीजिए ये आपका सेविंग कर्व है और ये आपका जो है ओ ए पॉइंट है यहां पर. दिस इज योर सेविंग कर्व. इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप कंजम्पशन कर्व बनाते हैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको पता है, देन यहां पर भी ये ओ ए लेवल जो है इस डायग्राम में देखेंगे तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है यहां पर. सो दिस ओ ए लेवल इज बेसिकली ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ये आपका स्मॉल ए है, आप इसको ए बार भी लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल सी बार भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इसको. तो दिस इज बेसिकली ऑटोनॉमस कंजम्पशन. सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन विल बी योर आंसर. मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये आपका एक तरीके से ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनॉमस सेविंग होती है. ऑटोनॉमस सेविंग द सेविंग विच इज देयर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और ये नेगेटिव ही होती है. ये पहला क्वेश्चन था जो केस बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ऑल ऑफ यू. इसके अलावा यहां पर ये क्वेश्चन भी गिवन है जो कि 4 मार्कर में पूछा गया है, लेकिन ये सेट नंबर 1 में पूछा गया है. एंड इसमें भी ये पूछा गया है कि भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है एज यू ऑल कैन सी. सो इन द गिवन फिगर व्हाट डज केटी, मैं आपको बता दूं 2018 में मेरे ख्याल से एक इस तरीके से गड़बड़ हुई थी, 18 या 19 आई थिंक गड़बड़ हुई थी. मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा है इकोनॉमिक्स का, तो उस पेपर का, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर बाय मनोज जांगिर सर. तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, पेपर में ही गड़बड़ हो गई थी, सीबीएसई की तरफ से गड़बड़ थी. यहां कोई गड़बड़ नहीं है. यहां पर पूछा गया है कि भाई आपका केटी क्या रिप्रेजेंट करता है. तो केटी जो है आप देख सकते हैं, दिस इज वाई एफ. एफ का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहां पर आप टी पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट पर हैं. एडी आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से, और एडी हैज इंक्रीज एंड इट हैज बिकम एडी वन. मैं यहां रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, यहां पर डिनोट किया हुआ है वैसे. तो क्या इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये इन्फ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट कर रहा है. इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिस्कस एनी टू फिस्कल मेजर्स, कोई दो फिस्कल मेजर्स बताइए जो इसे करेक्ट कर सकते हैं. तो फिस्कल मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशनरी गैप है, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. और इसके अलावा, ये तो एक्सपेंडिचर की बात रही, टैक्सेस जो है आपको, जो टैक्सेस आप चार्ज करते हैं विच इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टैक्सेस आप इंक्रीज कर दीजिए. इंक्रीज करेंगे टैक्सेस, एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम विल डिक्रीज. वाईडी आपका डिक्रीज हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम. एक्सपेंडिचर आप कम कर देंगे, ऑब्वियसली यहां पर भी डिस्पोजेबल इनकम विच इज रिलीज बाय द गवर्नमेंट विल डिक्रीज, एंड अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज एंड इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी. यहां पर आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर दिया गया है आपको ये बताने के लिए इन्फ्लेशनरी गैप के लिए. मार्किंग स्कीम सीबीएसई की है, और आपको 1.5 मार्क दिया गया है यहां पर पहला पॉइंट इंक्रीज इन टैक्सेस को बताने के लिए, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक्सप्लेनेशन आप यहां पर देख सकते हैं, एंड आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए. इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं. सो कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग. अगर इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ये पढ़ा क्या सीरीज आपको मिल जाएगी. यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो फेसबुक और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं. मनोज जांगिर क्लासेस के नाम से ही हमारा जो है वो पेज है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. शेयरिंग इज केयरिंग. सो जो मैं कर सकता था वो मैं आपके लिए कर रहा हूं, एंड आई एम होपिंग द सेम थिंग कि आप लोगों से भी जितना बनेगा आप इसे जरूर शेयर करेंगे. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग.